नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से इस समय पूरी दुनिया दहशत में है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में ये वेरिएंट अपने पैर पसार चुका है। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। इस नए वेरिएंट से एक बार संक्रमित हो चुके लोगों को ज़्यादा खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बुधवार को कहा कि शुरुआती आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट उन लोगों को अधिक और आसानी से दोबारा संक्रमित कर सकता है जो कोरोना वायरस से एक बार संक्रमित हो चुके हैं या पिछले वेरिएंट आने से पहले वैक्सीन ले चुके हैं। हालांकि WHO ने कहा कि नए वेरिएंट से उपजी बीमारी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेवेयम ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के उभरते आंकड़ों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। कुछ सबूत भी हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में मामूली बीमारी का कारण बनता है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी ठोस निष्कर्ष निकालने और अधिक डेटा की आवश्यकता है। WHO प्रमुख ने कहा कि भले ही ये पता चल गया हो कि ओमिक्रॉन कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है, लेकिन ये संतोष का कारण भी बन सकता है। उन्होंने सभी देशों से आग्रह किया कि वे अपने अपने यहाँ निगरानी को बढ़ावा दें ताकि ओमिक्रॉन कैसे व्यवहार कर रहा है इसकी तस्वीर साफ हो सके। वहीं WHO के आपात निदेशक माइकल रियान ने भी ओमिक्रॉन को लेकर चेताते हुए कहा कि नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और शायद डेल्टा संस्करण की तुलना में अधिक तेजी से पैर पसार रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वायरस अजय है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वायरस मनुष्यों के बीच फैलने में अधिक कुशल है। उन्होंने कहा कि हमें वायरस की चेन को तोड़ने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक 57 देशों में पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना से मौत और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा डेटा सामने नहीं आया है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।